हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट। आज की क्लास में हम 23 और 24 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कल की क्लास आपकी कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी, तो आज की क्लास में हम कल का कवर करेंगे। सबसे पहले हम 22 तारीख का रिविजन कर लेते हैं। भारत वैक्सीन मैत्री के तहत कोवैक्स सदस्य देशों को कोविड वैक्सीन निर्यात फिर से शुरू करेगा। वैक्सीन मैत्री पहल कब लॉन्च हुई थी? तो 20 जनवरी 2021। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 46वां। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? राजीव अग्रवाल को। सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? मेजर आइना को। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया। साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? कानून और न्याय मंत्रालय ने। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है? बांग्लादेश। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। हाल ही में देश के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर का निधन हो गया, तनु पदम नावन का। चलिए आज की क्लास का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक कहां शुरू होगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में। आइए कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं एक बार। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल हाल ही में कहाँ के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं? जम्मू और कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के। देश की पहली भूतापीय योजना कहाँ स्थापित की गई है? पूगा घाटी लद्दाख में। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो पेंगोंग झील से। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा लद्दाख। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किसने किया है? सीमा सड़क संगठन ने। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर सिनेमा घर कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख में। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? लद्दाख में। पेंगोइंग झील कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में है। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? लेह लद्दाख में। एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये लद्दाख में की गई है। ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी लेह है और लद्दाख में दो जिले हैं, लेह और कारगिल। वर्तमान उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास को एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो। निम्न में से कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आइए कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं एक बार। राजस्थान राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है। राज्य की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी है? 7,738 मेगावाट की है। भारत सरकार के नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक को इसने पीछे छोड़ दिया है और राजस्थान पहले स्थान पर आ गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में।
भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। और सौर ऊर्जा के मामले में पांचवें स्थान पर है भारत विश्व भर में। पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भी चौथे स्थान पर है। देश ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत ने 2022 तक कितना लक्ष्य रखा है? 175 गीगावाट। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है यह आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। कुसुम योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उद्यान महाअभियान की शुरुआत कब हुई थी? फरवरी 2019 में। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ लगाया गया है? दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल। आदित्य L1 मिशन का संबंध किससे है? सूर्य के अध्ययन से है। सूर्य पर एनर्जी किससे बनती है? तो नाभिकीय संलयन से बनती है। एशिया की सबसे बड़ा सौर संयंत्र कहाँ पर है? रीवा में, 750 मेगावाट। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनाएगा? तो डेनमार्क बनाएगा। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है डेनमार्क की कैपिटल क्या है। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? नीदरलैंड कहलाता है। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि 2047 तक ही क्यों रखा गया है। हाल ही में कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? जयपुर में। किस योजना के तहत लगाया गया है? तो कुसुम योजना के तहत। कुसुम योजना कब शुरू हुई थी? फरवरी 2019 में। प्रोजेक्ट गोल क्या है? तो बांस के पौधे लगाना कहाँ पर शुरू किया गया? राजस्थान में। ऑपरेशन सरद हवा किसके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में BSF द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा पर चलाया गया। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा राजस्थान। देश का सबसे नवीनतम 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो कहां पर है? राजस्थान में। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि पहला कौन सा है देश का। वर्तमान में राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? तो दो है, एक है सावर झील और एक है केवला राष्ट्रीय पार्क। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? जयपुर। पहली कौन सी है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद। किस नदी के किनारे है, किस झील के किनारे है? तो याद रखिएगा काकरिया झील के किनारे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की पहली हवाई पट्टी का उद्घाटन कहाँ किया गया? जालौर राजस्थान में किया गया। मिशन निर्यातक बनो योजना कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। हर घर औषधि योजना भी राजस्थान में शुरू की गई। चिरंजीवी योजना का संबंध किससे है? स्वास्थ्य बीमा योजना से, जो कहाँ शुरू की गई? राजस्थान में। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो ये राजस्थान होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइबोडोंट सार की नई प्रजाति की खोज की है? तो ये कहाँ की है? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी गुकेश ने। पिक में आप इनको देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्रमुख तत्व। हाल ही में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियान ने किस शहर में आयोजित नोइसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता? पेरिस। हाल ही में देश के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राजा ऋत्विक बने हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र में शतरंज के भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद है। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विश्वनाथ आनंद को। खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है? कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। माइंड मास्टर किसकी ऑटोग्राफी है? विश्वनाथ आनंद की। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। मोस्ट इंपोर्टेंट नेम है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कोनेरू हम्पी है। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। और 69वें कौन बने हैं? हर्षित राजा, जो कहाँ के हैं? पुणे के रहने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? बंतिका अग्रवाल ने। हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो SP सेतुरमन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। पिक में आप इनको देख सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख तथ्य एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित प्रदान किया जाता है। गरीबी को समाप्त करने, गिरोह की रक्षा के साथ साथ सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। भारत में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक लगती है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की लगती है। संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर उर रहमान। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में कितने नए सदस्य देश शामिल किए गए? 3। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे। ब्रिटिश कंपनी हाउस ऑफ फ्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था? तो बांग्लादेश था। मिताली और बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर उर रहमान को। टोक्यो ओलंपिक का लॉरेंट पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद यूनिस को, जो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। जोग जोग नाम का खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया? बांग्लादेश ने किया है। हाल ही में किन दो देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और प्रधानमंत्री वर्तमान में शेख हसीना है। बांग्लादेश विश्व में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत के किन किन राज्यों की सीमा बनाता है बांग्लादेश? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख सकते हैं, ट्रिक है ममता बनर्जी। कैसे याद रखेंगे? M से हो जाएगा मिजोरम, A से हो जाएगा असम, M से हो जाएगा मेघालय, T से हो जाएगा त्रिपुरा और A से असम। A से दो बार क्यों? क्योंकि असम से दो बार सीमा बनाता है बांग्लादेश और बनर्जी से आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल। आशा करती हूँ कि आप सबको ये याद भी हो गया होगा, काफी डिस्कस भी किया है हम लोगों ने। सबसे लंबी भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है कितने वर्ग किलोमीटर? 4096 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत रूप से होनी थी। अब ये रद्द क्यों की गई है? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो। अफगानिस्तान के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन शामिल होगा? कौन शासन कर रहा है अभी? तालिबान कर रहे हैं। इसी के कारण ये क्या किया गया? रद्द कर दी गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में। सार्क का नवीनतम देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सदस्य देश वर्तमान में 8 हैं। कौन कौन से? नाम याद रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। सार्क के वर्तमान महासचिव कौन है? एस्ला रोबान बीरा कू। अमेरिका में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी है। किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के किनारे। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत कब तक औद्योगिक ट्रांसफैट फ्री बन जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 2022 तक। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्ययन के अनुसार भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांसफैट फ्री बन जाएगा। ट्रांसफैट को सबसे खराब प्रकार का बसा माना जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? 194 हैं। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 सितंबर को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी? तो किसके बीच की जाएगी? अमेरिका।
आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करने वाले हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिका। भारत और किस देश ने स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप का आयोजन किया है? अमेरिका। भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो अमेरिका के साथ। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? अमेरिका। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला आपको देना है कि भारत कौन से स्थान पर रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीते। सितंबर 2021 में अपनी पहली मंत्री स्तरीय 2+2 बैठक भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाएगी? तो याद रखिएगा किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया। अब डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहा हवाई द्वीप या बिग आइलैंड कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, और ये अमेरिका का एक प्रांत है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत है? तो 50 है, और सबसे बड़ा कौन सा है? अलास्का है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। मोनालाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है? अमेरिका में। अमेरिका के किस शहर में वैदिक स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो शिकागो में किया जाएगा। चलिए ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बाइडन है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयर मार्शल वीआर चौधरी को। पिक में आप इनको देख सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। एयर मार्शल चौधरी फिलहाल वायुसेना के उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कौन सा संगठन सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने जा रहा है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के साथ मिलकर तीनों कमांड मुख्यालय, अब ये तीनों कमांड मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं क्लासेस में। सेलिंग रेगाटा और सेल परेड आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। यह आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में है। इस तरह का पहला आयोजन भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर किया जा रहा है? कोची में आयोजित किया जाएगा। नौसेना के 75 कर्मियों की एक टीम इसमें भाग लेगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? करमबीर सिंह है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है अभी? तो आरकेएस भदौरिया है, इन्हीं का स्थान लेंगे। वायुसेना दिवस स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अजय संजय अरोड़ा को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? जेबी महापात्रा को। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। किसे सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? बी वेंकट रमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? पिक देखकर आप इनको समझ गए होंगे, तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिताली राज। अब डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से। हाल ही में मुलक मेडल किसे प्रदान किया गया? अजिंक्य राणे को। दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी कौन है? राशिद खान है। दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो सोफी डेविन है। ये कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज 4 एग्जाम में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बारकले हैं। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा इनका संबंध किस देश से है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम। सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहां पर है? गुजरात में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम केरल में है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में है। आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान ने लगा दी है। आइए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं एक बार। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का यूएई में आगाज हो चुका है। कहां पर हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। लेकिन अफगानिस्तान में आईपीएल के प्रसारण पर तालिबान सरकार ने रोक लगा दी है और महिलाओं को तो किसी भी खेल में भाग लेने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुहेल साहिन को। अब डिस्कस कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। भारत द्वारा अफगानिस्तान में कौन कौन से बांध बनाए गए? सलमा और सैतुस बांध बनाए गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा अफगान रुपया है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? सोरा है। खेवर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी है। हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। WTO का नवीनतम देश 164वां कौन बना है? तो ये अफगानिस्तान बना है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागाजी उंकोजी इलेवा। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है इनका संबंध किस देश से है। हाल ही में चर्चा में रही पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की स्थानीय भाषा पश्तो है। किस देश ने अफगानिस्तान में निकासी अभियान समाप्त किया था? हाल ही में तो फ्रांस ने किया था। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? मुल्ला हसन आखुंद को। और भारत ने कौन सा निकासी अभियान यहाँ पर चलाया था? आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 समुद्र तट। कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में कोवलम है और पुडुचेरी में है ईडन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। 2 समुद्र तटों के जुड़ने से भारत में ऐसे समुद्र तटों की संख्या कितनी हो गई है? तो 10 हो गई है। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार, गुजरात के शिवराजपुर है, दीप में घोगला है, कर्नाटक में कासरकोड और पादु बिद्री है, आंध्र प्रदेश में रूसिकोंडा है, केरल में कप्पड़ है, उड़ीसा में गोल्डन है और आंडमान निकोबार में राधानगर है। याद रखिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन वाले समुद्र तटों को दुनिया भर में सबसे स्वच्छ समुद्र तटों के रूप में माना जाता है। जिसको ये मिल जाता है तो उनको सबसे स्वच्छ समुद्र तट माना जाता है। समुद्र तटों और मरीना के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन कार्यक्रम नामक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन द्वारा चलाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में फ्रांस में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है हाल ही में? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। अब डिस्कस कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? तो कहां पर की गई है? मेरठ में। गोरखपुर को GITech किस लिए दिया गया है? टेराकोटा के लिए। रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र कहां है? बाराबांकी उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत नेशनल पार्क कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक ओलंपिक तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने की है। किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? उत्तर प्रदेश में। किसने रखी है? तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे।
एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? नोएडा, जिसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। कीतम झील जो रामसर साइट में है कहाँ स्थित है? आगरा में। ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश सरकार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह हाल ही में उत्तर प्रदेश ने की है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य कौन कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, हस्तनापुर वन्य जीव अभयारण्य, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य। प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। प्रमुख नदियां गंगा, रामगंगा, गोमती, यमुना, बेतवा और गंडक नदी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया उत्तर प्रदेश से 1 मई 2016 को हुई थी। बाल सेवा योजना की शुरुआत भी कहां से हुई थी? उत्तर प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान की। अब डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत के किन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे, हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। नेहरू का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को कहते हैं। हाल ही में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी? तो ये पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का क्या नाम है? रेड क्लिफ है। और भारत और चीन के बीच सीमा का नाम क्या है? ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं डेली फाइव डोज। प्रमुख बुक्स और उनके लेखक, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद मठ, बकीम चंद्र चटर्जी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, माई एक्सपेरिमेंट विद तुट, महात्मा गांधी, इंडियन डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। अब कुछ क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जो 22 सितंबर की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके आंसर एक बार आप लोग देख लीजिए। यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर था दानिल मेदवेदेव, जो कहाँ के हैं? रूस के हैं। हवा से कार्बन निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हाल ही में कहाँ शुरू हो गया है? आइसलैंड में शुरू हो गया है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। इस सुरक्षा साझेदारी में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, शामिल नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है? अब जीएस के क्वेश्चन जिनका आंसर भी आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। निम्न में से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? और साथ में आपको ये भी बताना है कि यह कहाँ पर है। अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।